नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक महाराजा थाली नहीं खाई है तो ये तमाम तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं महाराजा थाली है और इस समय मैं मौजूद हूँ लजीज रेस्टोरेंट में जो होली नर्सिंग होम डबली रोड के बिल्कुल सामने है। और आपको बता दें कि महाराजा थाली में फ़िलहाल क्या क्या है। पनीर की सब्ज़ी है, दाल की सब्ज़ी है और इसके अलावा मिक्स वेजिटेबल है और गुलाब जामुन भी है, पापड़ भी है, रायता भी है, राइस भी है, रोटी और नान भी है और लस्सी और कोल्ड ड्रिंक भी है। हाल अभी तक आपने महाराजा थाली नहीं खाई है तो आप इस होटल में विज़िट कर सकते हैं और इस थाली को खा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये लस्सी है और ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल दाल मखनी, बिल्कुल गाढ़ी दाल मखनी है और टेस्ट करेंगे इसको, ज़बरदस्त। और ये शाही पनीर है, इसको भी टेस्ट करेंगे अल्टीमेट। और ये मिक्स वेजिटेबल है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये तमाम महाराजा थाली की आइटम्स हैं, वाकई लाजवाब हैं और कहूँ तो लजीज रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल लजीज हैं। तो ये महाराजा थाली थी जो आज हमने टेस्ट की है और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप एक बार ज़रूर आइए, उसको टेस्ट कीजिए। और थाली वाकई में लाजवाब है, लजीज रेस्टोरेंट जिस तरह का नाम है उस तरह की थाली है, पूरी लजीज थाली है। तो आप आइए ज़रूर एक बार टेस्ट कीजिए। अब इस रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं वरुण छाबड़ा, उनसे विस्तार से जानेंगे इस थाली के बारे में। नमस्कार मनमोहित जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे महाराजा थाली सिरसा में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर एक्चुअली जैसे हम कहीं घूमने जाते थे तो काफ़ी जगह पर महाराजा थाली हमने टेस्ट की है, विज़िट भी करते थे वहाँ पे। तो सिरसा में जब मैंने ये रेस्टोरेंट खोला तो मेरे मन में भी आया, हमने श्री श्याम जी के नाम से श्री श्याम थाली इसका नाम रखा है। 230 रुपए इसका प्राइस है, जिसमें आपको एक पनीर की सब्ज़ी, एक दाल मखनी, एक मिक्स वेज, रायता, राइस, एक नान, दो रोटी, अचार, पापड़, चटनी, ये सब दिया जाता है। इसके साथ स्वीट डिश में आपको गुलाब जामुन या कुल्फ़ी में से एक ऑप्शन और ड्रिंक में आपको कोल्ड ड्रिंक या लस्सी की ऑप्शन दी जाती है। तो एक थाली क्या एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है या एक थाली को दो लोग खा पाते हैं, कितने लोग खा पाते हैं इस थाली को? सर वैसे तो हमने एक आदमी के लिए भरपेट खाने के हिसाब से रखी है, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि इस थाली से दो लोग बड़े आराम से अपना खाना खा लेते हैं जी। और जब कोई खाने के लिए थाली आता है तो क्या प्रोसेस कितना टाइम रहता है, उस थाली को बनाने की बात करूँ या उस थाली की सजावट की बात करूँ, कितना समय उसमें लगता है? सर 10 से 15 मिनट में थाली हम उनकी टेबल पर हाजिर कर देते हैं। और इसके अलावा और ख़ास क्या है आपके रेस्टोरेंट में? सर ये जो थाली का सेक्शन है इसके अंदर हमने 4 तरह की थाली रखी है। एक हमारी स्पेशल थाली है जो कि 60 रुपए की है, उसमें एक दाल या एक सब्जी, उसके साथ 4 रोटी, अचार, चटनी, सैलड वगैरह देते हैं। उसके बाद हमारी एक और थाली है 90 रुपए की है, जिसमें दाल, एक सब्जी, 4 रोटियां, अचार, चटनी, सैलड वगैरह देते हैं। एक और हमारी थाली है 110 रुपए की, जिसके अंदर एक दाल, एक सब्जी, रायता, 4 रोटी, अचार, चटनी वगैरह, ये सब हम उसमें देते हैं जी। तो बिल्कुल लजीज रेस्टोरेंट का ये दावा है कि एक थाली को दो लोग भी खा सकते हैं, वैसे एक व्यक्ति के लिए थाली बनाई जाती है, बिल्कुल लजीज थाली है। और आप इस बार इस रेस्टोरेंट में विजिट कीजिएगा, डबली रोड पर होली नर्सिंग होम के बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट बना हो, और थाली ज़रूर खाइएगा और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।